आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। इंटरनेट के इस दौर में क्या कवि क्या लेखक सब अपनी रचनाओं को फेसबुक और अन्य सोशल माध्यमों पर साझा कर देते हैं और ऐसे में कई बार ये रचनाएं वायरल हो जाती हैं और खूब सराही जाती हैं। आपको बता दें, सीतापुर जनपद के सदना थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी पेशे से बतौर शिक्षक व प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अजय कुमार सिंह की एक कविता इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वीडियो पर बनी इस कविता को जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, वैसे ही कविता वायरल होने लगी। इस कविता को सुनने वालों के कानों में मानो रस घुल गया है। देखें ये रिपोर्ट। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश हैं मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई नई फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में पढ़ाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे तो हम सब की पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा तो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और जब विदाई होने लगी तो बिटिया कहती है अपने पिताजी से, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के भी रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और समस्त बेटियां सभी से ये प्रश्न करती हुई, कैसी परंपरा है ये, कैसा जहान है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। धन्यवाद।